हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अपने प्लांटेड एग की अपडेट देंगे और इसमें हमने 20-25 दिनों से हमने पानी चेंजेस नहीं करी है, तो पानी इसमें ये ग्रीन कलर का हो रहा है, पीला पीला सा हो रहा है। और इसमें हमारे प्लांट इसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं ऐसे कलर के पानी में। तो ये सर्दियों के मौसम में ही ऐसे हो रहा है, गर्मियों में ऐसा दूधिया पानी नहीं होता था। ये टेम्परेचर डाउन है और हीटर हमने लगा रखा है और ये 25.5 चल रहा है। और ये प्लांट्स हमारे काफ़ी इस पानी में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ये दूधिया पान जो आ रहा है वर्मी कंपोस्ट की वजह से हो रहा है। और इसमें देख सकते हैं ऊपर से प्लांट ऊपर सतह तक आ चुके हैं। ये जी देखिए रेड का बम्बा हमारे। तो आज हम इसका पानी चेंज करेंगे और प्लांट देखेंगे कितने हो गए, कटिंग के लायक हो गए या नहीं हो गए, क्योंकि रेड का बम्बा हमें काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, ऊपर तक पहुंच चुके हैं देख सकते हैं। और ये भी काफ़ी बढ़ गए हैं, पीछे छोटे छोटे थे, लगाए थे हमने कटिंग छत पे से लाके, और इसकी भी ग्रोथ तक काफ़ी अच्छी है। और ये रोटाला ग्रीन है, ये भी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो गया है। और गप्पी हमारी फिश इसमें ठीक ठाक है। तो चलिए पानी हम बदलते हैं, इसके पानी बदलना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें अधिकतर 90% पानी चेंज कर देंगे पूरा, क्योंकि पानी पूरा ही धुंधला हो चुका है। मगर इसमें इस पानी में हमारी फिशेस ज़्यादा इंजॉय अच्छी तरह करती है, इनको कोई बीमारी वगैरह कोई सुस्त नहीं रहती, बिल्कुल एक्टिव रहती है इसमें। क्योंकि ये गप्पी फिश को काई वाला ही पानी है ज़्यादा बेस्ट माना जाता है पॉन्ड का, क्योंकि पॉन्ड की फिश होती है गप्पी। चलिए हम पानी निकालते हैं इसका। तो पानी निकालने हम जा रहे हैं, तो पानी के लिए हमने डब्बा ले लिया है, इसमें नीचे छेद हो रहे हैं, इसमें मछली नहीं घुस पाती। और हम इसको इसमें डालेंगे और इससे कि इससे फिर हम ऐसे करके पानी निकालेंगे, क्योंकि एक भी मछली के बच्चे इसमें नहीं आ पाते हैं। तो पानी इधर ये निकलना स्टार्ट हो गया हमारा, देखो हमने डब्बे के अंदर पाइप लगाया है, ना कि वैसे लगाया है, वैसे इसमें मछलियाँ चली जाएंगी, तो मछलियाँ बचाने के लिए हमने डब्बा लगा दिया जिसमें छेद हो रखे हैं। प्लांट काफ़ी बढ़ चुके हैं ये देख सकते हैं, और आधा पानी हमारा निकल गया और आधा निकल रहा है। तो पानी हमने खाली कर लिया है और 95% या 90% ये हमने पानी खाली कर लिया है। और इसमें देख सकते हैं, और हम अब नया पानी टैप वाटर डालेंगे इसमें और इसको वापस फिल करेंगे। मछलियाँ देखें, ये आगे हमारा रेड का बम्बा है, ये भी बढ़ना स्टार्ट हो गया।
तो ये हम टैप वाटर भर रहे हैं इसमें और हमने फिल करना स्टार्ट कर दिया है। पानी हमने फिल कर दिया पूरा और प्लांट हमारे ऊपर तक आ गए हैं। तो अगली वीडियो में हम इसकी कटिंग की वीडियो डालेंगे और रेड कैप बाकी कटिंग करके और दोबारा से लगाएंगे। देखते हैं लाइट, दूसरी वाली लाइट भी जला के दिखाते हैं। देखिए ये प्लांट झुके हुए हैं, ये अभी थोड़ी देर में स्ट्रेट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे लाइट की तरफ। और ये देखिए मेरी पिछली कटिंग का दिखती थी, उसमें से नई ब्रांचेस निकल आई हैं रेड कैप बम्बा की, तो मैंने जड़ के पास से काट रखी थी तो सब में से नई नई ये निकलने लग गई है। और इधर देख सकते हैं ये रेड कैप बम्बा ऊपर तक आ गया है पूरा। मछलियाँ सारी एक तरफ हो गई हैं इधर और हमारा शीशा भी थोड़ा सा गंदा है तो इसको भी अभी साफ करेंगे। दोबारा ये वाटर चेंजेस हो गया है तो अगली वीडियो में हम इसकी कटिंग करके दिखाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय।